औरैया में ससुर ने दी दामाद को खौफनाक सजा, दामाद को मार कर फेंका बोरवेल में। अपनी बेटी को परेशान करने वाले बेटी के सगे देवर को उसके ससुर ने ऐसी खौफनाक सजा दी जिसे देखने और सुनने वालों की रूह तक कांप गई। बेटी को ससुराल में परेशान करने वाले देवर वकील को उसके भाई के ससुर और एक रिश्तेदार ने पहले जमकर पिलाई शराब, फिर गला घोट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने व लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के कपड़े उतार कर बोरवेल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल में और शव को निकालने के प्रयास जारी। यूपी के औरैया जनपद के दिव्यापुर थाने में दर्ज मुकदमे के जरिए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों ससुर संपत सिंह व उसके साथी दीपू सिंह, जो कि अपने ही दामाद की हत्या में शामिल होने का शक था, गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने दामाद की हत्या कर शव को बोरवेल में फेंकने की बात स्वीकार की। पुलिस के आला अधिकारी के अनुसार दिव्यापुर थाने में 28/8/2021 को वादे फूल सिंह ने अपने भाई वकील की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए वादी के ससुर और उसके साथी को गिरफ्तार किया, जिस पर पूरा मामला प्रकाश में आया। पुलिस के अनुसार बोरवेल की गहराई कई फुट गहरी होने के कारण अभी तक शव बरामद नहीं हो सका। शव की तलाश जारी है। शव जनपद कानपुर देहात के बोरवेल में फेंका गया है। औरैया से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट है। 28/8/2021 को थाना दिव्यापुर पर एक फूल सिंह नाम के व्यक्ति ने एक रपट दर्ज कराई थी कि उनके छोटे भाई की उसके ही ससुर और उनके कुछ रिलेटिव्स ने मारकर हत्या कर दी है। इस चीज़ को लेकर के थाना दिव्यापुर में रिपोर्ट दर्ज हुई, गुमशुदगी दर्ज हुई। पुलिस ने उसने बड़ी मेहनत करके तहकीकात की और आज सवेरे मुखबिर की सूचना पर ये बात प्रकाश में आई कि फलाफला अभियुक्त जो है वो इसमें है और इनको अगर पकड़ कर पूछताछ की जाए तो कुछ तब तक प्रकाश में आ सकते हैं। पुलिस ने उस कार्रवाई उस सूचना पर कार्रवाई की और दो अभियुक्तों को जिसमें एक संपत सिंह और उसके एक रिश्तेदार दीपू, इन दोनों को गिरफ्तार करके और उनसे पूछताछ कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके जो दामाद है उसका छोटा भाई ये था और ये चाल चलन का ठीक नहीं था और उनकी लड़की चूँकि उसी घर में रही थी और रिश्ते में उनका देवर लगता था, उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने उस वकील जो मृतक है उसको शराब पिला करके शराब घोट करके हत्या कर दी और फिर बोर वैल में इसका शव जो है वो डाल दिया था। और पुलिस ने अपने ग्वालिया बयान में इन लोगों ने पुलिस को ये बात बताई है। बोर वैल की 40 फीट तक खुदाई की गई है लेकिन चूँकि नीचे बरसात का सीजन है, पानी आ जाने के कारण अभी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। निकट भविष्य में जो दूसरे विभाग हैं जहाँ से बोर वैल की और नीचे तक खुदाई करके उसमें से डेडबॉडी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आरोपियों के कब्जे से उसके कपड़े मिले हैं जिनको सील करके पूरी कार्रवाई होते हुए ऐसे लिया जाएगा निलाम के लिए। और इन दोनों ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। एक और अन्य का भी शामिल होना बताया जा रहा है जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है और उसे भी जल्दी गिरफ्तार करके जेल में। हत्या की वजह जो आरोपी मुख्य आरोपी संपत सिंह है उसने यही बताया था कि इसका ये जो मृतक है इसकी लड़की उनके दिहाई हुई थी और ये उनकी लड़की का रिश्ते में देवर लगा और इस लड़की को ये परेशान करता था और इसी चीज़ से दुखी होकर के या परेशान होकर के इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इसकी हत्या की।